कार्यक्रमों और विभिन्न तरीकों के माध्यम से हम आपको कोरोना वायरस के बचाव के प्रति जागरूक करते चले आ रहे हैं, और हम कई सारे डॉक्टरों से मिलवाते हैं आपको, कई सारे पुलिस कर्मियों से मिलाते हैं, सफाई कर्मियों से मिलाते हैं। ऐसे में जो हमारे कवि हैं वो भी पीछे नहीं हैं, वो भी अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते चले आ रहे हैं। आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ और जानते हैं इसमें निहित संदेश को। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र अचूक और मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं कोरोना लॉकडाउन काल की कुछ रचनाएं। छः छः लाइन में अपनी बात कहने का प्रयास किया है। सभी लोग इस लॉकडाउन में कोरोना में तमाम दिक्कतें देख रहे हैं भी, लेकिन मैंने इसमें कुछ अच्छाइयाँ खोजने का प्रयास किया है। आप लोग गौर फरमाइए कि निर्मल नदियां हो गई सागर भी इठलाए, मनुज शांत तो प्रकृति भी मन ही मन मुस्काए, मन ही मन मुस्काए धुंध गुम निर्मल धारा, फूल खिले पक्षी भी हंसे है कलरव प्यारा, कहें अचूक धरा प्रमुदित होगा बेहतर कल, रोग स्वयं मिट जाए प्रकृति जब होती ही निर्मल। और देखिए जंगल है हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वहां क्या हाल है। जंगल में मंगल हुआ मुस्काती है घास, हिरण स्वर्ण मृग से खिले व्याघ्र गांव के पास, व्याघ्र गांव के पास रोज जंगल से आते, वन जीव स्वच्छंद विचरते मनुज न जाते, कहें अचूक लॉकडाउन में दिखता मंगल, हुआ पर्यटन बंद मस्त है अपना जंगल। और देखिए कोरोना काल में एक और अच्छा परिवर्तन हुआ है कि हाथ जोड़कर नमस्ते करने को तैयार, संस्कार थे भुलाए आया तभी विकार, आया तभी विकार सोचते मानव सारे, नहीं मिलाना हाथ जोड़ लो दोनों प्यारे, मर्यादा हो फर्क की खूब निभाओ साथ, संस्कार फिर सीख लो रहो जोड़ते हाथ। और देखिए इसकी इलाज जो है मैंने कहाँ खोजी है कि कोरोना की दवा है मित्रों शाकाहार, होता अमल तो वायरस ना लेता आकार, ना लेता आकार हिला दी दुनिया सारी, सुने बहुत उपदेश ने आदत छुटी तुम्हारी, बाबा कहते शाकाहारी जल्दी आप बनो ना, सुधर गए तो बिन प्रयास ही होवे खत्म कोरोना। और देखिए बीमारियों कैसे नष्ट किया है कोरोना ने कि आना जाना जब रुका प्रकृति उठी हर्षाए, बीमारी गायब हुई लई कोरोना खाए, लई कोरोना खाए डॉक्टर सब पछताते, लगती लाइन रोज आज रोगी ना आते, बदहजमी हो रही खा रहे जमकर खाना, जाना बीमारी भारत में कभी नहीं आना। और देखिए जीवन शैली में भी बदलाव कुछ नजर आ रहा है, कैसे इस समय जो लॉकडाउन में है कि सादा जीवन उच्च विचारों से होगा उद्धार, कोरोना सिखला रहा ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही व्यवहार नमक रोटी सा भोजन, माल पार्लर बंद जेब में ही सारा धन, नहीं खिलाने और घुमाने का है वादा, होटल पिकनिक बंद जी रहे जीवन सादा। और देखिए बचत कितने काम की है इस समय सबको पता लग रहा है कि रहो कमाते खर्चते बचत न भूलो आप, भूल गए तो हड़ेगा कोरोना सा पाप हाथ खुद फैलाओगे, बचत पास में बैठ महीनों तुम खाओगे, कहें अचूक आज संकट से कुछ तो गहो, खर्चा कर लो मगर बचाते कुछ तो रहो। और देखिए कि कोरोना का कोप है तो कैसे सब लोग घरों में हैं कि कोरोना के कोप से बचना जो श्रीमान, तो फिर घर में ही रहो होकर अंतर ध्यान, निकले घर से लग जाएगा निश्चित चूना,
लेते थे समाधि वैसे ही आप रहो ना, गायब होंगे निश्चित होगा खत्म कोरोना। अब देखिए मास्क से कैसे सम्मान हो रहा है आजकल, कि लाया डाउन लाक है नई नई पहचान, मास्क देकर हो रहा है सबका सम्मान, है सबका सम्मान दे रहे सैनिटाइजर, सस्ते में छुट रहे बड़े खुश हुए माइजर, दुल्हन दूल्हे के कपड़ों में मास्क आया, मैचिंग भी भरपूर सूट सा मास्क लाया। और देखिए मास्क का एक और कुछ लाइनें हैं कि जीवन रक्षक मास्क है खूब लीजिए जान, मास्क बिन निकले अगर घट जाएगा मान हो गया आर्डर जारी, हड़काएगी पुलिस जेल की भी तैयारी, कोरोना से देश बचाना कहता जन जन, गमछा से मुंह ढको मिलेगा इससे जीवन। और देखिए सिख संगत इस समय मदद कर रही है गरीबों की, सिख संगत कर रही है इतना अच्छा काम, भूखी जनता जप रही वाहे गुरु जी नाम, खिलाया सबको लंगर, तृप्त हुए मानव पशु पक्षी भूखे डंगर, कहें अचूक अनूठी सेवा कीरत इनकी लिख, गुरु के बेटे सेवाकारी तू भी इनसे सिख। और कुछ दिनचर्या भी बदली है लॉकडाउन में, देखिए कि नृत्य क्रिया से निपट कर करो नाश्ता मित्र, फिर परिजन संग देखिए रामचरित के चित्र, लंच कर फिर डट जाओ, कौरव पांडव युद्ध आप देखो दिखलाओ, सभी सीरियल धर्म युक्त डीडी पर सत्य, फिर से देखो शाम कृत्य दोहराओ नित्य। और देखिए बच्चों को लेकर भी, पढ़ाई को लेकर, कि बच्चों घर में ही रहो समझो डाउन लाक, घर पर ही पढ़ते रहो ज्ञान करो मत खाक, रिवीजन करते रहना, ढकलो मुंह और नाक हाथ भी धोते रहना, कहें अचूक पढ़ो समझो समझाओ बच्चों, पढ़कर आगे बढ़ो गीत नब गाओ बच्चों। धन्यवाद। जरा सी समझदारी से कहें कोरोना कुन्ना, कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने हाथों को अच्छे से धोएं, कुछ खाने से पहले तो जरूर हाथ धोएं, साफ सफाई का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर खांसते व छींकते समय मुंह व नाक को रूमाल से ढकें, खांसी नजला बुखार आने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, साबुन से अपने हाथों को बार बार धोएं, प्रयोग किए गए टिश्यू पेपर को डस्टबिन में ही डालें, जिम्मेदार बने, भीड़ में जाने से बचें, सबको बताएं, ना घबराएं, आओ हम सब मिलकर कोरोना को हराएं। ये संदेश आकाशवाणी बरेली द्वारा जनहित में जारी।